दिता हक असी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब उन्होंने अज एक रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं कि ये जड़ा कुछ होया ये वर्तारा नहीं सी वर्तना चाहिए। उत्थे लिखा बाणी भगत कबीर जियो की, बाणी भगत नामदेव जियो की। इन्होंने वो इदा स्टीरियो टाइप ना चलाए पर जिदा शायद पिंड के कोई बच्चों के ना लेते हैं। साडा इतराज आ प्रोपीगेट तो करना सिख जमनू तो ऑनरेबली नाम भी लेने चाहिए सी, भट्टा के ना ऑनरेबली लेने चाहिए सी, जिन्हों की गुरबाणी जिन्हों आप कहने प्रोपीगेट करना उन्होंने तो सिक्ख्या लेनी चाहिए सी। पर साड़ी अज भी यो मंग आ कि ये जड़ा हुई आ संशोधन 125 ऐड किया ये गलत आ, ये पार्लीमेंटी सिर्फ केवल का केवल बिल राही कर सकती आ, ना कि किसी स्टेट गौरमेंट नूं इहदा कोई अधिकार आ। परसों पंजाब सरकार वलों एक नवीं पिरत पाई गई कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा 1925 का एक्ट आ उहदे विच एक नवीं सोध के रूप के सैक्शन 125 ए इन्हां ने ऐड किया और असैम्बली दे विच जिवें एक छोटी जी गल हुंदी आ उह छोटी गल नहीं सी, बहुत वड्डी गल सी, ऐड करके इन्हां ने उहनूं काली काली दे विच पास कर दिता। उहदे विच मैं अज सवेरे भी कह के आया कि उहदे विच मुद्दा की सी, क्योंकि जिहड़ा SGPC का 1925 का एक्ट आ उहदे विच लाइव टैलीकास्ट, क्योंकि उदों लाइव टैलीकास्ट भी ट्रांसफार्मर भी नहीं सी होंदे, ईवन रेडियो भी नहीं सी होंदे, उह इन्हां ने नवीं एक उहदे विच मद ऐड कर दित्ती। ते साडा ऑलरेडी एक इह जिहड़ा चैनल 1999 तों असीं जतन कीता, एक ना कीता, दो ना कीता, तीन ना कीता, अल्टीमेटली ये जिहड़ा चैनल सीगा इस चैनल नाल समझौता होया जिहदा समझौता 2023-21 जुलाई नूं खत्म हो जाना। इन्हां ने उहदे विच एक सवाल उठाया, मैं किसी चैनल की कोई इत्थे वकालत करनी आया निरपक्षता दे नाल गल करूँगा कि उहदे विच जी ये किसी की बादल साहब की प्रॉपर्टी के मालकी आ ते इहनूं ये जिहड़ियां मैं भी गल्लां करदा उहनूं इस ढंग दे नाल ही पेश करदे आ कि जिद्दां मैं PTC नूं आप चला रहा। पर इवें नहीं सी गल, मैं अगे भी कहा सी कि वो एक वखरा कंसैप्ट सीगा। इन्हां ने फिर ये बिल नवा इंट्रोड्यूस करके इहदे विच एक संशोधन कर दिता जिहड़ा अगेंस्ट लॉ आ। अज तक दियां जिन्नियां भी साडियां अमेंडमेंट्स होईयां उहदे विच सब तो लेटैसट 2016 की सी, 2016 के जिहड़ा 2004 च राइट टू वोट टू द सहजधारी उहदी एक नोटिफिकेशन हो गई सी कि सहजधारी नूं सहजधारी इन द सेंस कि जिहड़ा साबत सूरत आ अमृतधारी नहीं भी उहनूं सहजधारी असीं गिणदे हां, ते जिन्हां ने ट्रिम कीते सी हेयर बाल कट्टे सी उहनां दा राइट टू वोट खत्म होया। उह 2016 तक साडा मसला कोर्टां दे विच लमकदा रहा, असीं हाई कोर्ट च गए क्योंकि वो जिहड़ी फैडरेशन सी सहजधारी फैडरेशन उहनी रिट पाती हाई कोर्ट च वी साडा राइट टू वोट आ, असीं कंटेस्ट किया, अल्टीमेटली वो जिहड़ी रिट उहनां दी सक्सीड होई साडे खिलाफ होया पे नहीं दे हैव गॉट द राइट टू वोट। फिर असीं अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट दे विच, वो खारज क्यों होया सी उहनी कहा पे ये जिहड़ा SGPC 1925 का एक्ट आ इहदे विच नोटिफिकेशन का किधरे भी प्रोविजन नहीं, क्योंकि 2004 जो बाई नोटिफिकेशन होया सगा, ते इस करके वो साड़ी ये पटीशन इत्थे जिहड़ी सक्सीड नहीं, ये जिहड़े सहजधारी फैडरेशन सी ये जित गई। फिर उहदे विच एक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उहदे विच एक बैठ के ये साड़ियां दोहे पार्लीमेंटरियां ने इन्हीं साडे कोलों अप्रूवल लै के वो जिहड़ी पार्लीमेंट दे विच बिल पास किया, अल्टीमेटली वो फिर एक एक्ट का हिस्सा संशोधन का बन गया, तो वो जिहड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई उन्होंने जिहड़ी पटीशन सी हुण उन्हें फिर मुड़ दुबारा हाई कोर्ट च होर मसले ते पाई आ। सो मेरा कहण तो भाव है लेटैसट सब तो यह सी साडी 2016 वाली
हूँ इन्होंने 7 साल बाद जक मुस्त श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी से कैप चढ़ाते पे पोलीटल पार्टी, क्योंकि पोलीटल पार्टी तो आप ही जब अं टिकटा लैके जितते हाँ तो दूजिया पार्टियां भी टिकटा दिदियाँ तो को जित जाते कुछ हार जाते सो उन्हों एक नवा कैप चढ़ा के ये किया साडा क्योंकि बनता हक असी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब उन्होंने अज एक रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं कि ये जड़ा कुछ होया ये वर्तारा नहीं सी वरतना चाहिदा ये पार्लीमेंट के पैरोगेट बेच तो उन्होंने साढ़े को मैमोरेंडम लिया और उन्हें कहा भी मैं हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर यदि सारी छानबीन करूँगा अगला हूँ जो समा दे सू सदन की करे वो उन्होंने डिपेंड करता पर साड़ी अज भी यो मंग आ कि यह जड़ा हुई आ संशोधन 125 ऐड किया गलत आ ये पार्लीमेंट सिर्फ केवल का केवल बिल राही कर सकती आ ना कि किसी स्टेट गौरमेंट नूं इहदा कोई अधिकार है। दूसरी गल कि एक कह रहे पे जी ये टू प्रोपेगेट का सिखिज़म एथिक्स ऑफ सिखिज़म प्रिंसीपल ऑफ सिखिज़म तो तुसीं उदन सारी रिकॉर्डिंग की होनी थोड़े को रिकॉर्डिंग होनी सारिया कि वन ऑफ द स्पीकरस जिहड़ा आ वो उत्थे की कह रहा जेडे 15 भगत आ उन्हां भगतां दे सत्कार नाल गुरु नानक देव पातशाह की पांचवीं जोत साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह ने जिथे भी तुसीं मुलांकण करोगे भगतां की गुरबाणी शुरू हुंदी आ उत्थे लिखिया बाणी भगत कबीर जियो की बाणी भगत नामदेव जियो की। इन्हां ने वो इदां स्टीरियोटाइप ना चलाए पर जिदा शायद पिंड दे को बच्चियां दे नां लईदे आ। साडा इतराज आ प्रोपेगेट तो करना सिखिज़म नूं ते ऑनरेबली वो नाम भी लैने चाहिए भट्टां दे नाम ऑनरेबली लैने चाहिए सी जिन्हां दी गुरबाणी जिहनूं आपां कहिंदे प्रोपेगेट करना उन्हां तों सिख्या लैनी चाहिए सी। सो मेरा कहण तों भाव ये आप ही रजी पूजी आप ही सुहागपती वाला काम पे अपने आप नूं आप ही कह लिया भी मेरे वर्गा तां होर कोई है ही नहीं दसो किहड़ा हैगा। ये सर्टिफिकेट लोगों ने देना हुंदा फिर दाढ़ी ते कटाक्ष कीती देखो पवित्र गुरबाणी दे विच गुरु नानक देव पातशाह ने अंकित किया साबत सूरत दस्तार सिरा तो उहदी जेले परिभाषा करदे साबत सूरत कौन हुंदा जिहड़ा रोमां दी बेअदबी ना करदा होवे ते फिर सिर ते दस्तार होवे तो इहनूं इलैबोरेट फिर गुरु दसम पातशाह ने खंडे बाटे की पौल दे के ककारां की बेअदबी नहीं करनी इहनूं संपूर्ण किया तो फिर आपां मुख्यमंत्री भी हाँ तो फिर आपां उत्थे हाउस दे विच मैं तो कहिंदा नहीं तुसीं देखिया होना भी किवें उह जिहड़ा आ सारा वो सीन जिहा सनैरियो जिहा बनाया। सो असीं अपने गवर्नर साहब नूं मैमोरेंडम दे के आए हाँ वो हुण देखदे हाँ उत्ते गाहां की एक्शन करदे आ। देखो देखो जिहड़ी उन्हां दे बिल वाली गल आ राइट लीगल जिहड़ा अज इहो ही बनदा सी क्योंकि इन्हां कोल बिल आउणा आ अप्रूवल लई असीं लीगल तौर ते ये जिले सारे दरवाजे की निकलता उस तो बाद फिर देखा कि गाह का प्रोसैस आ। सो दूजी गल ये असी हूँ बैठ के 26 तरीक न हाउस सद्या श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल हाउस जेडे सारे मैंबर आने उ बैठ के सारिया मदा से फिर सारे विचार करा फिर जो बन देखो सारा वह प्रोसैस तकरीबन गरेवाल साहब बैठे आ ये उस कमेटी के कह लो तुम भी करता धरता होर 5-6 मैंबर आ साढ़े वो असी सारा कुछ तैयार किया ही आ पर मैं तो कहता सी भाई वेट तो करो ना भाई एक साल हुण सानू तो कहिंदे आ भाई जी तुसीं एक साल तुहानू जिहड़े एक्टिंग जथेदार कहिंदे असी तो एक्टिंग कहिंदे नहीं सी उन्होंने दोहरा चार्ज दिता सी भाई उन्हें श्रोमणी कमेटी नूं कहा भाई तुसीं भाई इत्थे अपना अपना चैनल तैयार करो तो मैं पुछदा भाई एक्टिंग जथेदार साहब ने सरकार नूं पंजाब नूं भी कहा सी भाई बंदी सिंघां दा भी रिहाई करवाओ तो आप तो फिर कुछ नहीं किया तो असी तो अपने तौर पर लगे हुआ तो असं सक्सीड होव अ रिप्रजेंटेशन यो दी है कि अगेंस्ट जुरिस्टिक्शन आ इन्हों के अधिकार खेत्र च नहीं आता
ਕੰਸੀਡਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਲਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਨਿਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਰੀਡਮ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਸਟ ਬਾਈ 2/3 ਮਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਆ, 2/3 ਮਜੋਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੀਜੀ ਆਊਗੀ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਸਪੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਡੇ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, 15 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੁਆਪਟ ਹੁੰਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਵੇਟ ਫਾਰ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਮੋਰੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸੋਧਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਰਕਸ਼ਸ ਹੋਈ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 22 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਥਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਝਗੜਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਾਏ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, 2011 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 11 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁਆਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ 185 ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। 11 ਤੋਂ 16 ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, 11 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ,
वह जी पुरानी एग्जैक्टिव मक्कड़ साहब की प्रधानगी कुछ मैंबर तो नवे हाउस के मैंबर भी नहीं सके वो चलाई गए। 16 के फिर हाउस की संपूर्णता हुई जिस वेले वो लिटिगेशन सारी जिहड़ी सी अमेंडमेंट के रूप के बदल गई। उस तों बाद फिर 16 के इन्होंने होम मिनिस्ट्री ने सातों क्वेश्चन लैके उहदा ही फिर वो जिहड़ा हाउस जिहड़ा होम दे विच आया ते 16 तो 21 हुण भावें 23 हो गए एक दो साल की कई बार डिले हो जाती पर लीगल आस्पैक्ट यह आ भी 11 तो 16 तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नाल स्टे सीगा और उस स्टे दे विच की सीगा भी जिहड़ी एग्जैक्टिव चलती सी 15 मैंबरी उही चली गई। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਓ ਕਰਾਓ ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜੀ नहीं 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 कोई बेसली नहीं यूट्यूब तो साडा चलता ही है लाइव देख लिया करो फिर असी बाकी भी हम कर रहे हैं। पहली गल एक सुनो हम तुम एक निर्णय करो अपने तौर पर तुम कि टेलीविजन वाले हैं तुम जो थानू कोई लाइव प्रोग्राम देने चार्ज करते हैं ना करते चार्ज जल्द कोई प्रोग्राम को बंदा कहता जी मेरा तुम लाइव टेलीकास्ट करो तो वह पैसे दिता थानू दिता पैसे नहीं जिले तुम लाइव टैलीकास्ट किसी पार्टी की या किसी कानफ्रेंस आ को देंदे ओ मेरी गल तो सुन लो गल तो सुन लो अच्छा लाइव जिले प्रोग्राम कराना वो चलता देखो असी तो हुण दिल्ली मैनेजमेंट देख लो मैं फिर ना कहूँ मैं फिर एडवोकेसी ला पिया करना दिल्ली वाले पता करो भी किन्ने पैसे देंदे आ लाइव चलाने लई किन्ने पैसे हो अपने हेमकुंड ट्रस्ट वाले 3 महीने चलना पता करो किन्ने पैसे देंदे इसे पीटीसी नूं देंदे आ तो चलो मैं कहना पैसे तो देंगे ना वो बोर्ड बोर्ड पैसे दिता असी 2 करोड़ रुपया साल का उन्होंने को लेंगे एजुकेशन फंड लई सो इस करके आप कोई नहीं असी ए नहीं लोगों भावनावान आ भी वेलकम का भी वेलकम का देखो पंथ मेरी गल सुन लो मेरी गल सुन लो मेरा ये नहीं मसला मेरा ये नहीं मसला वो सानू जे उदा ही अदरवाइज उत्ते लग जाए कोई बैन तो वह भी कोई गल नहीं मेरा प्रपोजिशन आई आया ये घुसपैठ कर सकते एक्ट के अज पीटीसी आर दे करे कल कित होर मुद्दे से कर देंगे मेरा सिंपल प्रॉब्लम ये एक्ट की उलंघना आ ठीक है भी उन्होंने पुलिस आम लोग भी कही जाते हैं वो पुलिस एक बखरी आ पर अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस साढ़े 3 चैनल तो सीधे तौर पर सीधे छड़ के दौड़े बिच उस तो बाद फिर ये आ जिहड़ा सीगा उदों ईटीसी नाल कीता सी वह भी छड़ के दौड़ गए ये पहला मैं पहला एक दिन सारी डिटेल भी दसी सी कि कि कंपनी छड़ के उतों दौड़ी आ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सारे पक्ष जिहड़े उत्थे उस चकने पैणे सी सारे दे सामने मेरी एक बेनती सुन लो ये सिर्फ केबल दा केबल साडी सिधांतक लड़ाई आ वो इहनू लक पीटीसी कही जाण भई जी पीटीसी दा मसला पीटीसी दा नहीं मसला कल नू इह एक्ट दे विच होर सोधा करन वालियां गल्लां वो कर लेंगे फिर कौम मनी जाऊगी इतने बार बार कोई सिख संस्थावां कमजोर नहीं गई सिख संस्थावां उवें चल रही देखो 88 कॉलेज चलते आ मैडिकल कॉलेज आ साडे पोस्ट ग्रैजुएशन दे विच सब तो एक कॉलेज आ जिहनूं पोस्ट ग्रैजुएशन दीआं 40 सीटां मिलीआं लोगों के भरते नहीं गुरु रामदास मैडिकल यूनिवर्सिटी चाहे ननकाणा साहब ट्रस्ट की मैं गल GNE की गल कर लवा साडा तो उ संस्थावां कमजोर दसो मैनू संस्थावां तकड़िया होकर चल रही सो बहुत बहुत धन्यवाद।